CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। श्री दुर्गियाना मंदिर में 70 फुट के रावण के दहन के साथ ही लंगूर मेले की समाप्ति भी हो गई। इस बार अमृतसर का दशहरा फीका सा रहा, क्योंकि अमृतसर में 10% ही रावण बना, लेकिन इस रावण दहन में आम लोगों ने हिस्सा लिया और बुराई पर अच्छाई का प्रतीक इस त्योहार को मनाया। श्री दुर्गियाना मंदिर में दशहरे के प्रोग्राम में मुख्य मेहमान मेडिकल शिक्षा खोज मात्र श्री ओपी सोनी जी के श्री सोनी ने दशहरे के इस शुभ अवसर पर शहर वासियों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि दशहरे का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत है, अच्छाई कभी खत्म नहीं होती और ना ही उसे छुपाया जा सकता है। सोनी ने कहा कि दुनिया में केवल इंसान के अच्छे कामों को ही सराहा जाता है। श्री सोनी की अगुवाई में रावण मेघनाद व कुंभकर्ण के पुतलों को अग्नि भेंट किया गया। इस मौके पर भी दुर्गियाना मंदिर कमेटी के प्रधान रमेश शर्मा ने कहा कि श्री दुर्गियाना मंदिर कमेटी का एक ही मकसद है, सनातन धर्म के जितने भी त्योहार हैं वो हर्षोल्लास से मनाए जाएं और जितने भी सनातनी हैं उनको अपने धर्म से जोड़ना है। समाज के लिए श्री दुर्गियाना मंदिर कमेटी ने बहुत बढ़िया सराया बनाई है और शहर वासियों ने बढ़िया हाल प्रोग्राम करने के लिए बनाए गए हैं और श्री दुर्गियाना मंदिर कमेटी की ओर से फ्री बस सेवा भी शुरू की गई है। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को इसका फायदा होगा। दुर्गियाना कमेटी सनातन धर्म के सारे त्योहार बड़े हर्ष ते उल्लास नाल मनाउंदी है। दुर्गियाना कमेटी का ये मोटिव है कि जिन्हें सनातनी है उन्होंने अपने धर्म नाल जोड़ा जाए, उन्होंने बच्चों अपने धर्म नाल जोड़ा जाए। इस उपलक्ष के दुर्गियाना कमेटी ने ये दशहरे का आयोजन किया और ये अलावा भी समाज वास्ते काफ़ी कुछ दुर्गियाना कमेटी कर रही है, जिमें कि समाज वास्ते जोड़े श्रद्धालु दुर्गियाने आना चाहते उन्होंने वास्ते फ्री बस सेवा की गई है। चौथे किरिया वास्ते साढ़े को शहर के कोई भी जगह नहीं, जोड़े अं दो कम्यूनिटी हाल एसी बनाए ने, होटल बनाए ने, सरावं बनाइया ने, ये सारा कुछ सनातन धर्म वास्ते दुर्गियाना कमेटी कर रही है और आने वाले टाइम के होर वधिया प्रोग्राम समाज में दिते जाएंगे।